हे फ्रेंड्स, दिस इज़ मंजू एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। नॉर्थ में तो बहुत ही भयंकर वाली ठंड पड़ चुकी है और इतनी सर्दी में कुछ भी करने को मन नहीं करता, बट थैंक गॉड टुडे इज़ अ ब्राइट सनी डे। तो सोचा जितने भी पेंडिंग काम है और एक हफ्ते में जो काम होने वाले हैं उन सभी को आज मैं कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि इतनी अच्छी धूप आ रही है किचन के अंदर तो काम करने में बहुत मज़ा आएगा। तो आज इस धूप का पूरा पूरा फ़ायदा उठा लिया जाए और फ़ायदा उठाया जाए विंटर के मौसम का, क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सर्दियाँ सबसे बेस्ट होती हैं खूब सारी वेजिटेबल्स, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को खाने का। तो मैं भी मंडी गई थी तो वहाँ से बहुत सारी सब्जियाँ लेकर आई हूँ। तो सोचा आज मौसम अच्छा है काम करने के लिए, तो चलिए जल्दी से इन सारी वेजिटेबल्स को हम कट चॉप करके फ्रिज में रख देते हैं, ताकि एक हफ्ते तक हम आराम से अपना काम आसान बना सकें। पालक के बेबी लीव्स जो हैं उनको मैंने अलग से रख लिया है। ये देखिए, ये इसलिए अलग से रख लिए हैं क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो बहुत सारे सूप्स, वेजिटेबल्स और पराठास के अंदर इनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इनको हम अच्छे से वॉश करके अलग से सुखाकर मैं इनको स्टोर करके रख लेती हूँ, और बाकी पालक को हम बॉयल करके रख ले देंगे ताकि जब चाहे उसको बना सकते हैं। बॉयल करने से उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है। अगर मुझे आज नहीं बनाने, दो दिन बाद बनाना है, तब भी वो आराम से चल जाएगा। पालक की इन बेबी लीव्स को आप अच्छे से वॉश करके और इनका जितना भी मॉइस्चर है, पानी, उसको अच्छे से हम किसी भी कॉटन के कपड़े से उसको सुखा लीजिए, और जो बाकी का मॉइस्चर रह जाएगा वो धूप से उड़ ही जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर धूप में रख दिया है और बाकी के पालक को बॉयल करने के लिए रख दिया है। विंटर्स में जितने हो सके उतने ज़्यादा मेथी, पालक, साग, बथुआ, ऐसी चीज़ें हमें खाने को मिलती हैं और खानी भी चाहिए, क्योंकि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। और ये बहुत ही बेस्ट वेदर रहता है इन सब चीज़ों को कंज्यूम करने के लिए और बच्चों के लिए भी, बट बच्चे बहुत नखरे मारते हैं, तो इसलिए किसी न किसी तरीके से पराठों के अंदर, सैंडविचेस के अंदर या सूप के अंदर इनको, या इनके पानी के स्टॉक को निकाल के आप उनको सूप में, आटे में गूंद कर किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्म में मैं उनको यूज़ कर लेती हूँ। तो चलिए अब बारी आती है कैरेट्स की। बहुत ही बढ़िया मीठी मीठी गाजरें आती हैं इस मौसम में और मेरे बच्चों को कैरेट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, स्पेशली मेरे छोटे वाले बेटे को, वो तो ऐसे ही खा जाता है निकाल के। तो इसलिए मैं हमेशा इनको अच्छे से पील करके, वॉश करके इनको स्टोर कर लेती हूँ। और हियर आई वॉन्ट टू शेयर अ टिप, अगर आप कैरेट्स को एज इट इज़ पील करके, क्लीन करके इनके अंदर पानी डाल देते हैं, तो ये बहुत देर तक, आराम से आपके 10 डेज तक ये एज़ इट इज़ फ्रेश रहेंगी, बिल्कुल क्रंची, जैसे कि अभी आप तोड़ के लेकर आए हों। तो ये टिप ज़रूर अपनाइएगा आप भी नेक्स्ट टाइम जब भी अपनी कैरेट्स को स्टोर करेंगे। इसी तरह से अदरक भी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बेशक आपको कफ़ एंड कोल्ड हो, सूप्स हो, आपके पराठे हो, कुछ भी हो, और सब्ज़ी में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से इसको मैं फ्रेशली इसको चॉप करके रख लीजिए किसी भी ग्लास वाले कंटेनर के अंदर। फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत नहीं है, फ्रिज में ही स्टोर कीजिए और अपनी हर तरह की सूप्स, वेजिटेबल्स, पराठों के अंदर, हर चीज़ के अंदर। और इसके पील्स भी मैंने बचा के रख लिए हैं, क्योंकि इसको भी सुखा कर आप चाय पत्ती में यूज़ कर सकते हैं चाय बनाने के लिए। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चों को सब्जियाँ खिलाने के लिए, तो ये पालक का स्टॉक जो निकला था उसे मैं यूज़ करूँगी आटा गूंदने के लिए। तो देखिए हर एक चीज़ किस तरीके से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें मैंने डाल दिया है ऑयल, और थोड़ी सी हम इसके अंदर डाल देंगे नमक, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थोड़े से तिल, मैं तो इसके अंदर अलसी, ये सब चीज़ें भी डाल देती हूँ। और अगर हम आटे को गर्म पानी से गूंदते हैं तो आटा बहुत ही सॉफ्ट गूंदा जाता है और जल्दी गूंदा जाता है, क्योंकि सर्दी में आटा गूंदना ठंडे पानी से, वो इतनी जल्दी
सॉफ्ट नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पे मैंने भी स्टफ परांठों की तैयारी कर ली है। यहाँ पे गोभी और पालक, मेथी, हरी मिर्ची, ये सब डालकर मैं स्टफिंग तैयार कर लूँगी। और ये है फ्रेश ग्रेटेड जिंजर। मैं ज़्यादातर परांठों के अंदर, जब भी स्टफ परांठा बनाती हूँ, इसके अंदर तेल, अलसी, चिया सीड्स, ऐसी चीज़ें भी डाल देती हूँ, सो दैट बच्चों को पता भी ना चले और एक न्यूट्रिशियस चीज़ें भी उनकी बॉडी को मिलती रहें। और भाई सर्दी में गाजर का हलवा नहीं बनाया तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उसके बिना तो सर्दियां बिल्कुल अधूरी हैं। तो चलिए गाजर के हलवे बनाने की तैयारी भी हो चुकी है, ये आराम से बनता रहेगा और तब तक हम अपना बाकी का काम कर लेते हैं। तो चलिए कटिंग, चॉपिंग और जितना भी स्टोरिंग वाला काम था वो सब हो चुका है और अब किचन बहुत गंदी हो चुकी है तो इसको भी साफ़ कर लेते हैं। अभी भी धूप बहुत अच्छी ही है तो इसलिए धूप जितनी किचन में लगती रहे उतना बढ़िया है। तो लेट्स क्लीन, मेरी कोशिश रहती है कि जितना भी साइड बाय साइड जितने भी छोटे छोटे काम हैं उनको डेली रूटीन में करते रहिए ताकि आपकी किचन बहुत ज़्यादा गंदी भी ना हो। इस तरह से मैं रोज़ ही चीज़ों को हटा के साफ़ कर लेती हूँ ताकि किचन के ये कॉर्नर्स गंदे ना हों। तो इसी तरीके से आप थोड़ी सी हैबिट बना लीजिए इन चीज़ों को डेली क्लीनिंग की, तो आपकी किचन हमेशा ऑर्गेनाइज्ड ही रहेगी। वैसे तो हम सभी क्लीनिंग बहुत अच्छे से ही करते हैं, कोशिश रहती है कि बिल्कुल साफ़ सुथरी ही चीज़ें हों, बट फिर भी हमारे बर्तनों को धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए जब भी अच्छी धूप निकलती है मैं तो कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरी किचन के साथ ही बालकनी है, तो मैं अपने वॉशिंग के बाद, बर्तन धोने के बाद उन्हें डायरेक्टली सन में रख देती हूँ ताकि वो अच्छे से स्टरलाइज हो जाए, उनमें किसी भी तरह की स्मेल ना रहे। तो लीजिए यहाँ पे वॉशिंग वाला काम हो चुका है, अब इन बर्तनों को अच्छे से सेट कर दीजिए इस तरीके से ताकि हर बर्तन पर एक अच्छी धूप आए और वो अच्छे से सूख जाएं और स्टरलाइज हो जाएं। वैसे तो किचन की ज़रूरतें कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं, जितना मर्जी से ऑर्गेनाइज़ करके रख लीजिए। तो मेरे पास ये कुछ दालों के डब्बे पड़े हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा पुराने हैं, मुझे लगता है कम से कम 10-15 साल तो हो ही गए होंगे इन्हें, और बहुत बुरी कंडीशन में भी हैं और देख देख के भी आप बहुत ही अक जाते हो, और प्लास्टिक इतनी देर तक नहीं यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ 4-in-1 कंटेनर, बहुत ही बढ़िया लगा था मुझे देखने में, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मुझे देखने में वैसे तो ये 1 kg से कम है, इसमें अराउंड 500 ग्राम्स, आधा किलो दालें आती हैं, पर बढ़िया बात यह है कि ये डिटैचेबल है, इस तरीके से आप इसे दो भी बना सकते, मतलब 4 की जगह 2 भी रख सकते हैं, तो 1-1 किलो, 1.5-1.5 किलो दाल भी आपकी इसके अंदर आ जाएगी। बट मैं ज़्यादातर 1/2 kg ही यूज़ करती हूँ दालों को, तो यहाँ पर मेरी चारों दालें, मतलब आप ये देखिए कि 4 बड़े डब्बों की जगह इस एक बॉक्स ने ले लिया है, तो मुझे तो ये ऑर्गेनाइज़र बहुत ही बढ़िया लगा और डालने में भी बहुत आसान है। तो चलिए अब यहाँ पे टैग्स भी लगा लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने इनको अपनी किचन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ करा था, स्पाइसेस वाला सेक्शन मैंने यूज़ कर लिया था बट दालों वाला अभी पड़ा था, तो सोचा चलिए नेम्स भी लगा ही देते हैं, अच्छे लगते हैं और पता भी चल जाता है जब कोई और किचन को यूज़ करता है। इसका भी डिस्क्रिप्शन मैं डाल दूँगी आपको, ये मैंने कहाँ से लिए थे, और वैसे मैंने लास्ट वीडियो में डाले हुए हैं, आप वहाँ उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। सिमिलरली मैंने कुछ ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस भी ख़रीदे थे क्योंकि ये भी बहुत कम जगह लेते हैं, तो ये भी मुझे बहुत ही बढ़िया लगे थे। इसमें आप चाहें तो अपने बिस्किट्स या ऐसी चीज़ें भी स्टोर कर सकते हैं और दालें भी स्टोर कर सकते हैं, शेप बहुत बढ़िया है और जगह भी बहुत कम लेते हैं। Now it's time for my most favorite part of the video, that is
DIY। तो चलिए मिलकर बनाते हैं एक प्यारा सा कोजी सा कॉफ़ी स्टेशन बनाने के लिए एक DIY। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रिंटआउट्स निकाल लिए हैं, आप अपनी चॉइस का कोई भी प्रिंटआउट ले सकते हैं। मुझे अपने नेक्स्ट वीडियो में कॉफ़ी स्टेशन बनाना है तो मैं उसकी तैयारी अभी से कर रही हूँ। तो ये कुछ पुराने फ्रेम्स हैं जो कि टूट चुके हैं, मतलब पूरी तरह से नहीं टूटे हैं बट क्रैक हो चुके हैं। स्पेशली जो नीचे वाला है वो थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, तो बड़े वाले को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है। और वैसे भी कहते हैं अपनी पर्सनल फोटोग्राफ्स को टूटे हुए फ्रेम्स में नहीं रखना चाहिए, तो नहीं रखेंगे, चलिए कुछ और ही लगा देते हैं इसके अंदर। हेयर आई एम यूजिंग द गिफ्ट रैपिंग शीट। आप किसी भी बेस को यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो प्लेन भी रख सकते हैं। आप देख सकते हैं नीचे का बेस बहुत ही ख़राब है, तो उसको हाईलाइट करने के लिए और उसको छुपाने के लिए मैं यहाँ पे गिफ्ट रैपिंग शीट यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि ये प्लेन पेपर के ऊपर प्रिंटआउट्स लिए हुए हैं तो आपको पता है कि ये इंक बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी और ये धीरे धीरे करके उड़ जाएगी। तो इसको जो है ज़्यादा देर तक चलाने के लिए मैं यहाँ पे परमानेंट मार्कर से इनको सील कर दूँगी। दिस कार्डबोर्ड DIY हैज़ बिन डन बाई मी इन द लास्ट वीडियो। आप चाहें तो उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। कार्डबोर्ड से बनाया था बट नाउ आई एम यूजिंग इट फॉर दिस वन, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये इस पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और दोनों आपस में ज़्यादा मैच कर रहे थे। तो कार्डबोर्ड है, उसके ऊपर रैपिंग शीट लगाई है और स्टेंसिल से लिखा हुआ है और अब मैं इसके ऊपर ये प्रिंट आउट लगा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और कौन सा DIY और कौन सी चीज़ आपको सबसे बढ़िया लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। टिल देन।